विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर छिड़ी चर्चा के बीच अब मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर नियाज खान की भी एंट्री हो चुकी है। असल में उनके ट्वीट से नया विवाद शुरू हुआ है। नियाज खान ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर उठे विवाद पर अपनी राय रखी है। मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात नियाज खान ने ट्वीट किया है, द कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है, उन्हें पूरे सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए भी एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान है और देश के नागरिक है। नियाज खान ने एक और ट्वीट किया और लिखा, अलग अलग मौकों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए किताब लिखने की सोच रहा हूं, ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म कुछ निर्माता बना सके, अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। हत्या किसी मुसलमान हिंदू या सिख की नहीं होती है बल्कि इंसान की होती है, इसलिए ऐसी घटनाओं को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बल्कि इंसानियत दिखानी चाहिए। नियाज खान के जब इस तरह के ट्वीट सामने आए तो इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आनी ही थी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लिखा, वैसे तो देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं न हो पाएंगे, लेकिन पूर्व में हुए भिवंडी, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, बंगाल, केरल में हिंदू मुस्लिम दंगों में भी हिंदुओं की मौत का आंकड़ा मुस्लिमों की मौत से ज्यादा निकलेगा। एक और बात नियाज खान जी, मुस्लिमों के लिए कीड़ा मकौड़ा जैसे शब्द का इस्तेमाल न करें, क्योंकि भारत में सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अशफाकुल्ला खान जैसे भी लोग हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि इनके कथन पर स्पष्टीकरण लिया जाए और पूछा जाए कि देश में ऐसा कौन सा प्रांत है जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी नियाज खान पर आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर नियाज खान ने इसे बोलने की आजादी कहा। उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट करके आतंकवाद नहीं फैला रहा हूं कि स्पष्टीकरण मांगा जाए। ये वही नियाज खान है जिन्होंने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि दुनिया में मुस्लिम ही आतंकवाद फैला रहे हैं, कुरान की गलत व्याख्या की वजह से ऐसा हो रहा है। नियाज खान ही वो शख्स हैं जिन्होंने कहा है, पूरे विश्व में आतंकवाद दिख रहा है, कुरान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। कुरान में ये लिखा गया है कि यदि आप अच्छाई के लिए खड़े हुए होते तो आपको कोई नुकसान पहुंचाए, आपकी जान का दुश्मन हो उसके खिलाफ जिहाद करिए, बाकी यदि कोई आपका धर्म नहीं मानता है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, यदि आपके प्रति कोई सहानुभूति रखता है तो आप भी सहानुभूति रखिए। आईएएस अधिकारी नियाज खान के मुताबिक जो वर्तमान रूप में टेररिज्म दिख रहा है वो पूरा एंटी इस्लामिक है, इस्लाम उसको कभी सपोर्ट नहीं करता है। पूरे रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुरान इंसान को इंसानियत की तरफ ले जाती है, भाईचारे की शिक्षा देती है। कुल मिलाकर नियाज ने इसके लिए कुरान की गलत व्याख्या को जिम्मेदार बताया है, ये मान भी लिया है कि दुनिया में मुस्लिम ही आतंकवाद फैला रहे हैं। दूसरी तरफ वो मुस्लिमों के नरसंहार पर भी फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। अब नियाज की कौन सी बात माने और कौन सी नहीं, नियाज का पक्ष क्या है और क्या नहीं, ये समझना अब वाकई टेढ़ी खीर सा हो गया है। एक तरफ नियाज मुस्लिमों का आतंकवाद के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए भी द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे नियाज खान के स्टैंड पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आजकल बहुत सारे मूवीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ नाम की ले रहे, लेकिन ये ऐसी कुछ ऐसी मूवी है ना कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे मूवी देखे किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए, जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पर छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म बहुत एक पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हैं। बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा, अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है, ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे?
ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं नॉर्मली, ओवरसीयर ही बोलते हैं, हाँ, तो बिकॉज ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड, तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे, तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया, और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमारे, हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, चार उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा बेटी उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए, और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर फ्यू कपल ऑफ इयर्स और 3 इयर्स। एंड सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, थर्ड फ्लोर पे मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5-स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या आप कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माई मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म, शी डिडंट स्पीक टू एनीबडी फॉर 2 डेज। दो दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई, और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं, या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निषाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है, अब वहाँ बाब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 इयर्स।